हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. एंड एक्सरसाइज हमने कहाँ तक कंप्लीट करी थी बेटा? हमने एक्सरसाइज 1.3 तक, सॉरी 1.4 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था. सो अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 1.5. एक्सरसाइज 1.5. एक्सरसाइज 1.5 में बेटा क्या है, आपको मैम ने लास्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें थोड़ा सा समझाया भी था एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म के बारे में. सो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म पर ही बेस्ड है. ओके, सो वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. मैम ने आपको ऑनलाइन में इसके बारे में बताया था, अब हम एक्सरसाइज में आप देखिए ध्यान से समझना. एक्सरसाइज 1.5 आपको बुक में ही डन करनी है बिकॉज यहाँ पे आपको ये स्पेस गिवन है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको यहाँ पे एक नंबर गिवन है, आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है. एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आपको टू वेज में राइट करना है. फर्स्ट आपको न्यूमरल्स में राइट करना है, देन आपको वर्ड्स में राइट करना है. ओके, सो एक बार आप ध्यान दो. देखो बेटा, यहाँ पे मैम ने आपको समझाया था एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए कि ये आपने देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको एक एक वर्ड एक एक डिजिट के लिए आपको एक्सपेंड करना है. जैसे ये आपका 3, देखिए 3 जो है हमारा 1000 के प्लेस पे है, सो हमने 3 के साथ क्या किया, 1000 राइट कर दिया. बिकॉज 3 जो है हमारा कौन से प्लेस पर है बेटा, 1000 के प्लेस पर है. सो हमने 3 के साथ क्या किया, 1000 राइट किया यहाँ पे. एंड जो हमारा 4 है, 4 हमारा 100 के प्लेस पर है, सो हमने यहाँ पे 4 के साथ 100 राइट किया है. एंड 0 टेंस के प्लेस पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, सो हमने टेंस का यहाँ पे नहीं किया है बिकॉज यहाँ पे 0 ही है. नाउ अब हम आते हैं वंस के प्लेस पे. ये हमारा बेटा क्या है, ये प्लेसेस है वंस, टेंस, 100 एंड 1000. ये 4 डिजिट नंबर है जो 4 प्लेसेस पर प्लेस्ड है. ओके, सो अब हमारी 5 की हम बात करते हैं. 5 हमारा किसके साथ है, 5 हमारा कौन से प्लेस पर है, वंस के प्लेस पे है. सो हमने 5 वंस यहाँ पे क्या राइट किया है, 5 वंस. ये तो बेटा क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है वर्ड्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वर्ड्स में राइट किया है, नंबर नेम में राइट किया है, सी किया है ना. तो ये हमारा क्या है बेटा, ये वर्ड्स में हमने राइट किया है. किस चीज में हमने राइट किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स, ये है वर्ड्स में. अब इसी क्वेश्चन को, इसी हम जो नंबर है, इसी नंबर को हम अब न्यूमरल्स में राइट करेंगे. हम इसको एक्सपेंड करेंगे किस फॉर्म में, न्यूमरल्स की फॉर्म में, यानी कि ओनली डिजिट्स की फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड करेंगे. ओके बेटा, सो अभी ध्यान दो. अब हम फर्स्ट डिजिट को लेते हैं. फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 3 डिजिट्स हैं. सो हमने 3 के बाद कितनी जीरोस पुट करी है, 3. ओके, 3000 प्लस. अब नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं 4. 4 के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं. सो हमने 4 के बाद यहाँ पे 2 जीरोस पुट करी हैं. ओके, यानी कि हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज बताएंगे हर एक डिजिट के, और उन प्लेस वैल्यूज को हम इस प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे, सम कर देंगे उन प्लेस वैल्यूज का. ये क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू 3000 एंड 4 की प्लेस वैल्यू 400. एंड मैंने आपको बताया था कि 0 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों ही क्या होती है, 0 होती है. सो यहाँ पे बेटा ऐड करने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐड नहीं किया है. वैसे अगर आप अपनी, आपको अगर कंफ्यूज होते हो आप, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक चीज और ऐड कर सकते हैं, 0 एंड प्लस 5. ओके, सो अभी यहाँ पे हम आते हैं टेंस के प्लेस पर. 0, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 0. सो हमने यहाँ पे क्या किया, 0 राइट किया है. देन हमारे वंस के प्लेस पे है 5. अब 5 के पास कोई डिजिट नहीं है, सो हमने डायरेक्टली 5 को ही यहाँ पे राइट किया है. हमने क्या किया, पहले 3 की प्लेस वैल्यू लिखी, देन प्लस 4 की प्लेस वैल्यू, देन प्लस 0 की प्लेस वैल्यू, देन प्लस 5 की प्लेस वैल्यू. इस टाइप से हमने इसको किया है कि हमने यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू, देन 4 की प्लेस वैल्यू, देन 0 की प्लेस वैल्यू, देन 5 की प्लेस वैल्यू. तो ये क्या है बेटा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये है न्यूमरल्स में. जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ये है न्यूमरल्स में. और यदि हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में राइट करते हैं कि 3000 400 5 1, तो ये है बेटा वर्ड्स. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जिसके बारे में मैम अभी बात कर रहे थे, वो यही है. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा यही है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. आपको यहाँ पे एक नंबर गिवन है, आपको उसे न्यूमरल्स में और वर्ड्स में एक्सपेंड करना है. ओके, सो हम आपको, मैम आपको करके दिखाती है कि आप इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे.
सी, फर्स्ट आप देखिए 5 की आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू राइट करेंगे। 5 की प्लेस वैल्यू अब हम न्यूमरल्स में राइट कर रहे हैं, सो भी हम यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स में लिखेंगे। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5000। 5 के बाद हमने 3 जीरोस पुट करी है बिकॉज 3 डिजिट्स है। प्लस 9 की प्लेस वैल्यू बेटा 900। प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30। प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 की प्लेस वैल्यू बेटा क्या है, 2। हमने यहाँ पे राइट करा 2। तो ये तो हमारा क्या है, न्यूमरल्स में हमने एक्सपेंड किया है। अब हम इसी नंबर को हम वर्ड्स में एक्सपेंड करेंगे। ओके, सो अब आप यहाँ पर ध्यान दो, 5 क्या है ये 1000, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5000। ओके, प्लस 9 क्या है बेटा, 900 है, सो हम यहाँ पे 900। प्लस 3 क्या है यहाँ पे, 3 जो है टेंथ के प्लेस पर है। सी आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 जो है हमारा टेंथ के प्लेस पे है, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 3 टेंथ। प्लस 2 हमारा कहाँ पे है बेटा, वंस के प्लेस पे है, सो 2 वंस। ओके, क्लियर। आपको इसी टाइप से ये दोनों पार्ट्स भी करने हैं अपनी बुक में ही। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, आपको अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, जो ये हमने यहाँ पे जो ये फॉर्म बनाई है ना, ये फॉर्म अब आपको यहाँ पे गिवन है, और आपको इसमें जो ये आपको नंबर गिवन है, ये जो शॉर्ट फॉर्म गिवन है, वो आपको यहाँ पे बनाना है। सो बेटा ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये 6 के साथ क्या है 1000, सो 6 कौन से प्लेस पे है बेटा, 1000 के प्लेस पे है। 200 के प्लेस पे है, सो हम यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे टेंस के प्लेस पर कुछ भी नहीं गिवन है, नहीं गिवन है ना टेंस के प्लेस पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 0 राइट करेंगे। एंड देन 4 वंस के प्लेस पे, सो हम वंस के प्लेस पे बेटा क्या करते हैं, 4 को राइट करते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ओके, अब आप देखो 6 जो है वो 1000 के प्लेस पे, हमने 6 को 1000 के प्लेस पे लिख दिया। 200 के प्लेस पे है, सो हमने 100 के प्लेस पर 2 राइट कर दिया। अब टेंस के प्लेस पर कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 राइट कर दिया। एंड वंस के प्लेस पर 4 है, सो हमने यहाँ पे 4 राइट कर दिया। ओके, तो ये क्या है बेटा, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अब ध्यान देना, आपके पास वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं वंस, टेंस, अपने मतलब आपको आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, सो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं ये प्लेसेस। अब आपके पास है 4000, 4 क्या है 1000 के प्लेस पे, सो हमने यहाँ पे 4 को 1000 के प्लेस पे राइट कर दिया। एंड 2 क्या है बेटा, वंस, 2 के बाद ना कोई 0 है ना ही कुछ है, तो 2 क्या है बेटा, वंस, सो हम वंस के प्लेस पे बेटा 2 को राइट कर देंगे। एंड जो हमारे बीच के जो प्लेसेस है उनमें हम क्या करेंगे बेटा, 0 पुट कर देंगे। ओके, सो ये क्या होगी बेटा, 4002, ये शॉर्ट फॉर्म है। आपको इसी टाइप से ये दोनों पार्ट्स भी बुक में डन करने हैं। ओके, आज का आपका यही वर्क है, आपको एक्सरसाइज 1.5 अपनी बुक में करनी है, और आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये हॉर्स आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे कंप्लीट द टेबल, आपको यहाँ पे ये नंबर गिवन है, आपको इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। आपको यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, आपको इससे एक नंबर यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखनी है इस एक्सपेंडेड फॉर्म की। एंड आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म गिवन है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना है और ये नंबर भी राइट करना है। ओके बेटा, सो आप अपने आज आपका यही वर्क है, आपको यही वर्क कंप्लीट करना है। ओके बेटा, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैम आपके इसकी रिवीजन वर्कशीट बनाएंगी जो आपको सेंड करेंगी। क्लियर, ओके, बाय बाय, वी विल कंटिन्यू इन अवर लाइव क्लास। बाय स्टूडेंट्स।